तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और कमाल की वीडियो लेके, जिसमें हम बात करने वाले कि आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 लेना चाहिए, 14 लेना चाहिए या 14 प्लस लेना चाहिए। हम इनके यार जो मेन मेन फीचर्स उनकी बात करें, मैं आपको इस वीडियो में एक परफेक्ट आंसर बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि इन तीनों में से आपको कौन सा जो फोन वो लेना चाहिए, साथ में क्या इनका एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से मेरे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया है, तो हम इनके प्राइसेस की भी बात करेंगे कि क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है। अगर हम तीनों की बात करें तो 128 GB रोम वाला एक वेरियंट है। बाकी अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 13 की और जो 14 उसकी दोनों की 6.1 इंच की डिस्प्ले है, और जो हमारा आईफोन 14 प्लस है उसकी हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी अगर हम कैमरे की बात करें, तीनों का ही कैमरा सेम है और इसमें तीनों में एप्पल की A15 बायो चिप मिल जाती है। बस फर्क ये है, जो हमारा आईफोन 14 और 14 प्लस है उसमें हमें 6 कोर का प्रोसेसर मिलता है, और जो हमारा आईफोन 13 है उसमें हमें 4 कोर का मिलता है। साथ में वारंटी वगैरह हमें सब कुछ सेम इसमें मिल जाती है। अगर हम कलर की बात करें तो आपको कलर्स दिख गए होंगे, इन तीनों में हमें ये सारे कलर्स मिलते हैं, और तीनों में 128 GB का, 256 GB और 512 GB का जो वो वेरियंट मिल जाता है। तीनों में हमें यार नैनो सिम और एक eSIM हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और तीनों ही हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया 5G फ़ोन है। जो मेजर हमारा डिफरेंस अगर एक आता है वो आता है बैटरी में। जो हमारा आईफोन 13 है उसमें हमें 3240 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और 14 में हमें 3279 की मिल जाती है। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो इनमें कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, ये हमें आपको जो सेम साइज बैटरी बैकअप देंगे, लेकिन जो डिफरेंस हमें मिलता है वो मिलता है हमें 14 प्लस में, क्योंकि इसमें हमें 4323 mAh की बैटरी मिलती है, जो ये बताया जा रहा है कि हमें वो 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। तो ये जो गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है, स्क्रीन के साथ साथ हमें इसमें बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो अगर आपके हाथ बड़े, आपको मज़ा आता बड़ा फ़ोन को यूज़ करने में, तो ये काफ़ी एक मेजर चीज़ हो सकती है कि आपको आईफोन 14 प्लस लेना चाहिए। इनके कैमरा की भी बात करें तो तीनों में हमें 12 MP के कैमरे मिल जाते हैं। बाकी अगर यार जो मेजर चेंज आता है जो वो 14 में जो 13 में कुछ, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी स्लाइट चेंज है, उसका कुछ यार फ़र्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो कि मैं लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन ले लूँ, नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल डे में यूज़ करते हो तो आपको ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है। डिस्प्ले भी हमें इन तीनों में सेम मिल जाती है, तो आपको इसमें सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और आपको इसमें यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़ा आ जाएगा। इसमें हमें तीनों में 1200 निट्स की जो ब्राइटनेस मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया है यार, आपको यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस बना देगी। आप डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें तीनों में 60Hz की डिस्प्ले मिल जाती है, कोई भी मेजर चेंज नहीं मिलता हमें, जो वो फेस आईडी ही मिलती है, और क्योंकि डिस्प्ले इन तीनों की सेम है, बस 14 प्लस की जो डिस्प्ले वो उससे बड़ी है। अगर हम इन तीनों मोबाइल फोन्स की डिफरेंस की बात करें तो मेन यार 14 प्लस में जो हमें डिफरेंस मिल जाता है वो भी हमारी डिस्प्ले का, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले, खैर वो थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले है, और आपको यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस बना देती है, क्योंकि उसमें सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले मिलती है 60Hz की, तो आपको यूज करने में काफी ज्यादा जो वो बढ़िया मजा आ जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने इतना ज्ञान आप लोगों को दे दिया है, इसका प्राइस क्या होगा और क्या हमें इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो अगर हम इसमें प्राइस की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारा आईफोन 13 है वो हमें 42,000 से लेकर 45,000 के बीच में मिल जाएगा, जो कि काफी एक बढ़िया प्राइस है। और साथ में जो हमारा आईफोन 14 है उसका ये बताया जा रहा है कि वो आपको 50 से लेकर 52 या 53,000 के बीच में मिल जाएगा, और जो हमारा आईफोन 14 प्लस है उसे 60,000 तक का बताया जा रहा है कि वो 60,000 तक में मिल सकता है आपको। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं यार 58 का भी हो सकता है, तो प्राइस वो हमें धीरे धीरे टाइम के साथ पता चल जाएगा। ये कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस, आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्राइस जो आईफोन 14 प्लस का वो 60,000 मान के चलो, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा यार। और भाई आपको जो कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, आपको 5% का डिस्काउंट तो मिलता ही है। बाकी अगर HDFC का है तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन तीनों में से किसी एक मोबाइल फोन को मैं खुद पर्सनली सेल में परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे पास है आईफोन 11, उसी से अपनी वीडियोज वगैरह शूट करता हूँ, इंस्टाग्राम रील शूट करता हूँ, तो मुझे अब एक अपग्रेड की जरूरत थी, तो यार प्रो मैक्स मेरे को लेना नहीं था क्योंकि उसका मेरा अभी बजट था नहीं, तो मेरे को इन तीनों में से किसी एक फोन को लेना था। तो अगर आप एक कॉमन मैन हो जो यार वीडियोज वगैरह नॉर्मली जो वीडियो शूट करते हो, बाहर बड़े बड़े वीडियोज बनाते हो या नॉर्मल गेमिंग करते हो, तो आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें यार 13 और 14 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप डेली लाइफ में यूज करो ना तो काफी माइनर चेंजेस है जो आपको पता भी नहीं चलेंगे। ये जो हमें डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 14 प्लस में, क्योंकि 14 प्लस में हमें एक बिगर बैटरी मिल जाती है, जिसमें हमें 2 दिन का यार जो वो बैटरी बैकअप मिल जाता है, साथ में बड़ी डिस्प्ले का, तो यार काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी एप्पल की सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले के साथ। मैं आपको यार ये एडवाइस दूंगा, अगर आपका बजट हो सकता है आईफोन 14 प्लस तक का, तो आप 13 की जगह यार 14 को स्किप करना। अगर आप ये चाहते हो कि आप 13 से आपको ऊपर ही फोन लेना कोई, तो आप 14 को मत लेना, 14 प्लस लेना,
क्योंकि यार 14 प्लस काफ़ी बढ़िया फ़ोन है आपको इस सेल में। देखो स्टार्टिंग में काफ़ी जो वो महंगा लॉन्च होता है 90,000 रुपये का, वो तो कोई मतलब ही नहीं था, तब तो लेने का फायदा ही नहीं था यार। 90,000 का तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था 14 प्लस, लेकिन क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी कम बिका और इस सेल में इस पर काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आने वाला है, तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपका थोड़ा बजट यार आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो आप अगर आप 60 से 62,000 तक का कर रहे हो तो 14 प्लस लेना। और आपको अगर बड़ा फ़ोन चाहिए तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है इसकी, क्योंकि 13 अगर आपको 13 या 14 में से एक लेना तो आप 13 ही लेना, क्योंकि यार 13 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है यार, कुछ भी फर्क नहीं है। वैसे भी यार डेली लाइफ में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास आईफोन 13 है या 14 है, पता किस में चलेगा 14 प्लस में, क्योंकि 14 प्लस की बिगर डिस्प्ले है और वो अलग से पता चलेगा कि यार बंदे के पास आईफोन 14 प्लस है। 13 और 14 में कोई भी डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। बाकी मैं पर्सनली अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं 14 प्लस लूँ, क्योंकि मेरा बजट यार 14 प्लस का ही है, तो देखते हैं कि क्या रहता है। अगर काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आता है तो हम 14 प्लस ही ले लेंगे, अगर थोड़ा महंगा हो गया तो फिर हम यार सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा लूँ। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा आईफोन परचेज करने वाला हूँ, लेकिन ये बात श्योर है कि तीनों में से हम एक आईफोन जरूर लेने वाले हैं। तो ये थे हमारी कुछ वीडियो, तो फटाफट चलो कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि काफी अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल पे, और साथ में भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और काफी बड़े बड़े वीडियोस वहां पे भी आ रही है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट।